बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 अनइम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और है बहुत आसान। ठीक है, जिस तरह ये दोनों की है इस तरह ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले Z2 और Z3 को प्लस करेंगे, फिर उसके पास जो आंसर आ जाए उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Z1 और Z3 को करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, तो इन दोनों का जवाब आंसर होगा जो सेम आएगा। लेकिन हम इसको इसलिए स्किप करते हैं क्योंकि ये सॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, आसान है लेकिन लेंथी है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह कैम में फिर जगह ना होने की वजह से फिर ये हमारे से अधूरा रह जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी मसला हो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप बेशक हमको कमेंट कर सकते हैं, हम फिर इंशाल्लाह आपके लिए ये करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें कहें फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें एडिटिव इनवर्स को हमने फाइंड करना होगा। तो जैसा कि है क्वेश्चन नंबर 4 में है, पहला पार्ट है 1 + 3 iota। तो अगर आप इसको देख रहे तो ये हमारे पास हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि एडिटिव इनवर्स इसका फाइंड करो, कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये 2 + 2 है, ठीक है, 2 + 3 iota, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन a + b iota बी द एडिटिव इनवर्स इनवर्स। ठीक है, a + b का एडिटिव इनवर्स हमने मतलब सपोज कर दिया। ठीक है, 2 + 3 iota, और इसको प्लस करना होगा a + जो इसका सपोज किया है उसको हमने ही लिया है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ भी नहीं है, मतलब रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को ये शिफ्ट करेंगे, तो ठीक है, तो ये 2 + a + 3i + 3i + b i। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे देखें तो ये 2a हो जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू 0, और इससे हम अगर आयोटा कॉमन लें तो इसमें भी आयोटा है और इसमें भी आयोटा है, तो ये 3 + b और आयोटा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, सो ये a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, +2 इस तरफ -2 हो जाएगा, एक तो इसका फाइंड हो गया और कामा। अब ये 3a + b है, तो ये 3 = b हो जाएगा, सो b = 3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, -2 + 3, इसका एडिटिव इनवर्स -2 + 3, इसका ही एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। अब इस तरह क्वेश्चन जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी इंतहाई ही आसान है। इस तरह क्वेश्चन है, मतलब उसका भी एडिटिव इनवर्स क्या है, इसका दूसरा पार्ट जो है 2, -3, ये हमको दिया गया है, इसका भी वही तरीका है। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट a + b iota और द एडिटिव इनवर्स। ये इसका एडिटिव इनवर्स हमने ले लिया। ठीक है, तो मतलब जिस तरह जो ऊपर के क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह हमने यहाँ भी करना होगा, -3, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, a + b iota, इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, अब ये a इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 + a, ठीक है, और प्लस -3 + b iota। ठीक है, -3 + b iota, हाँ, अगर इसे आप देख ले माइनस इसमें आयोटा होगा, क्योंकि एक रियल इमेजनरी की वजह से 2a हो जाएगा, और ये कामा, और इससे हम -3 + b iota और iota हमने
कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस बी, और ये बी इज इक्वल टू प्लस थ्री, ये माइनस है उस तरफ प्लस हो जाएगा, ठीक है कॉमा, और ये टू ए है सो ए इज इक्वल टू, ये सिर्फ माइनस टू हो जाएगा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स आ गया वो क्या है, मैं इधर लिख लेता हूँ, क्या है माइनस टू प्लस थ्री, ये इसका जो था एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ गया, ठीक है, मतलब इसमें दो पार्ट्स तो दोनों ही हो गए।